फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। आरएनसी नर्सिंग एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो सभी सब्जेक्ट को अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फाइंड आउट डिवाइस। आपको इस डिवाइस को फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिवाइस होने वाला है। फॉलीज कैथेटर होने वाला है, स्वानगंज कैथेटर होने वाला है, या फीडिंग ट्यूब, या क्लोज सक्शन सेट। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फिर लास्ट में आप टोटल मुझे बताना कितने सही हुए आपके आंसर। तो आप इस डिवाइस को सही देख के बता सकते हैं मुझे, अगर आपने देखा हो। जनरली इसको बोला जाता है, इसका राइट आंसर जो होने वाला है क्लोज सक्शन इज़ द राइट आंसर होने वाला है। फॉलीज कैथेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉलीज कैथेटर के लिए मैंने आपको बता दिया है। स्वानगंज जो कैथेटर, फॉलीज कैथेटर जो होता है वो यूरिन को पास आउट करने के लिए काम में लेते हैं। स्वानगंज जो कैथेटर होता है उसको पीए प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के लिए काम में लेते हैं, और फीडिंग ट्यूब फीडिंग्स देने के लिए एनजी ट्यूब बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोज सक्शंस। ये पूरा एक जो इसका पॉइंट है वो कनेक्ट होता है पेशेंट के ईटी ट्यूब या कुछ ट्यूब लगी हुई थी उससे कनेक्ट होता है, और सेकेंड जो दूसरा वाला जो पोर्ट होता है, ये जो पोर्ट होता है उससे कनेक्ट होता है। सेकंड जो पोर्ट होता है वो डायरेक्टली अपन वॉल सेक्शन होता है उससे कनेक्ट होता है। तो इसमें अपना कोई ज़्यादा डायरेक्ट हाथ टच नहीं आते ट्यूब ट्यूब के साथ में, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग होती है। तो ये प्रॉपर स्टेलाइजेशन टाइप टेक्निक होती है सेक्शन करने की। तो इसको क्लोज सेक्शन अगर एग्जाम में आए तो आपको बताना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इस नेक्स्ट, अगर आपने एम्स सफदरगंज ने जब एग्ज़ाम कराए थे उस टाइम, उसके बाद एम्स दिल्ली ने कराए थे उसके एग्ज़ाम, तो उसमें अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चंस 2018 के अंदर। इन आइसबर्ग ऑफ डिजीज फ्लोटिंग टिप इंडिकेट, आइसबर्ग जो फिनोमिना होता है तो वो कौन, जो फ्लोटिंग टिप्स, आपको ये फ्लोटिंग टिप्स दिख रहा होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल पॉपुलेशन इंडिकेट कर रहा है, आइडेंटिफाई क्लिनिकल केसेस इंडिकेट कर रहा है, या डिजीज पॉपुलेशन इंडिकेट कर रहा है, या अन आइडेंटिफाइड केसेस इंडिकेट कर रहा है? तो इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं आप कमेंट के अंदर। टोटल जो पॉपुलेशन होती है वो इंडिकेट करता है, ये जो वाटर होता है वो इंडिकेट करता है टोटल पॉपुलेशंस। देन नेक्स्ट, जो इसका जो सबमर्ज जो पोर्शन होता है, जो पूरा जो अपन को शो नहीं हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है इनविजिबल। आप देख सकते हैं मिस डायग्नोसिस केसेस को इंडिकेट कर रहा है, जो डिजीज कंडीशन जो पोर्शन होता है वो इंडिकेट करता है, और जिसका जो मेन फ्लोटिंग ऑफ टिप अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो इंडिकेट कर रहा है आइडेंटिफाइड क्लिनिकल केस। आइडेंटिफाइड क्लिनिकल केस जैसे कोविड 19, अब कोविड 19 के अपन ने इंडिया के अंदर जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो केसेस इंडिकेट कर रहा है फ्लोटिंग ऑफ टिप्स। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। तो ये पूरा फिनोमेना आपको याद रखना है, ये आइसबर्ग ऑफ कोविड 19 पे पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसको मैं 3 स्टार दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट इमेज फाइंड आउट डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना मुझे। पल्स ऑक्सीमीटर बोला जाता है, हियरिंग एड्स, पेसमेकर, या आईवीसी फिल्टर। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उससे पल्स या सैचुरेशन चेक किया जाता है, जो ये नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये। और हियरिंग एड्स जो कान के अंदर लगाते हैं, जो सुनने में हेल्प करते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली ओल्ड एज की पीपल है उनके कान में लगी हुई होती हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर, ये नहीं होने वाला है। एंड देन आईवीसी फिल्टर, इंफेरियर वेनाकावा जो कवा है, वेनाकावा है वो अगर फिल्टर जब लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एम्बोलिज्म अगर पेशेंट्स को होता है, या पेशेंट को अगर सीएडी का पेशेंट है तो उसके अंदर मोस्टली उसको एम्बोलिज्म और उसके क्लॉटिंग जो एम्बोलिज्म थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए आईवीसी फिल्टर लगाते हैं, ताकि ये हार्ट में जाके ब्लॉकेज का काम नहीं करें। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पेसमेकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर बोला जाता है इसको, और ये चेस्ट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है,
इस पेस मेकर, जैसे नेचुरल पेस मेकर किसको बोलते हैं अपन, ऐसे नोड को, ऐसे नोड को अपन बोला जाता है। तो ये ऐसे नोड का काम करता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट नेम ऑफ लोगो, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लोगो का नेम बताना मुझे। स्नैक बाइट है या स्नैक डांसर डांसर होने वाला है या नॉन ऑफ द अबो क्या है, या सैड्यूसेस कैड्यूसेस, सॉरी कैड्यूसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैड्यूसेस इसको बोला जाता है। तो ये जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स का लोगो होता है, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको। फाइंड आउट द लोगो, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है आपको बताना है। यूनिसेफ का है, WHO है, BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, या NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशंस, तो किसका है। एक बात बता दूं आपको कि ये जो यूनिसेफ है उसका आपको अब लेटेस्ट क्वेश्चन बच जाता है। यूनिसेफ का नाम तो इसको जनरली अपन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स बोला जाता है, क्योंकि एमरजेंसी को हटा दिया है। तो इसमें आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो ये लोगो जो होने वाला है वो यूनिसेफ्स का है। ये यूनिसेफ का आपको ध्यान में रखना है, यूनिसेफ्स जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है लोगो। ये लोगो भी पूछ सकते हैं। फाइंड आउट लोगो यूनिसेफ का है, रेड क्रॉस सोसाइटी, AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, या WHO। तो यूनिसेफ का मैंने बता दिया आपको, रेड क्रॉस सोसाइटी का नहीं है, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी नहीं है। तो राइट आंसर होने वाला है WHO। ये WHO का होने वाला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने का ये लोगो होने वाला है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। फाइंड आउट लोगो, इस लोगो को फाइंड आउट करना, मिशन इंद्रधनुष का है, इम्यूनाइजेशन का है, NRHM या BFHI। तो इसका आपको, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन, एनआर। तो आप राइट आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर है BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जो कब आया था, 1991 के अंदर आया था। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए आया हुआ था। तो ये लोगो आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट लोगो, ये किसका लोगो होने वाला है, NRHM, इम्यूनाइजेशन, BFHI या मिशन इंद्रधनुष। तो NRHM का नहीं है लोगो, इम्यूनाइजेशंस का भी नहीं होने वाला है, BFHI का मैंने बता दिया आपको। तो ये राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, मिशन इंद्रधनुष का होने वाला है। मिशन इंद्रधनुष जब आया था तो PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका तो ये प्रिवेंट करता है 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट मिशन इंद्रधनुष निकाला गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज होने वाला है, फाइंड आउट लोगो, RNTCP का होने वाला है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, या WHO, या एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM या NHM भी बोल सकता। तो ये लोगो होने वाला है वो NRHM का होने वाला है, जो 2005 के अंदर आया था। नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इमेज होने वाला है, दिल्ली एम्स पूछ सकता है, फाइंड आउट नेम ऑफ द डायरेक्टर, क्या नाम है इन डायरेक्टर का। आपने अगर इनको देखा हो तो संजीव मिश्रा है, पर्वत सिंह है, या रविकांत है, या रणदीप गुलेरिया। तो संजीव मिश्रा जो है वो एम्स जोधपुर के डायरेक्टर होने वाले हैं, और पर्वत सिंह है वो एम्स जो वो है एम्स भोपाल गया, पर्वत सिंह। एंड जो रविकांत है वो होने वाले हैं एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के। कई इसका आप
देख सकते ना, पटना का भी पर्वत सिंह, पटना सॉरी पटना के है ये, नहीं कि भोपाल, और आर गुलेरिया जो है वो होने वाला है एम्स दिल्ली का डायरेक्टर। तो ये जो पिक्चर दी हुई है वो रणदीप गुलेरिया के होने वाली है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। पिछली बार एग्ज़ाम के अंदर इसका नाम पूछा था एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम में, अभी नहीं पिक्चर दे सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, रेस्पॉन्सिबल दिस लोगो, एक कोड जो होता है वो किसके लिए, कौन सी कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फायर के लिए, मिसिंग चाइल्ड, या ब्लड स्पिल, या बॉम्ब थ्रेट? सॉरी, एक ऑप्शन में और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्डियक अरेस्ट। जो कोड ब्लू होता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी के लिए। आपने जनरली हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा ये जो कोड्स होते हैं, इसके अंदर अपन कोड अनाउंस करते हैं जब कौन सी भी इमरजेंसी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अनाउंस करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, सी होने वाला है, सॉरी ई होने वाला है। ई मीन्स कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के अंदर कोड ब्लू अपन एक्टिव करते हैं। मैं आपको टोटल कोड बता देता हूँ इसके अंदर। हॉस्पिटल कोड्स जैसे कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रेट के लिए होता है, कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट मैंने बता दिया था अभी, कोड जो ग्रे होता है वो डिजास्टर के लिए रहता है, कोड रेड जो होता है वो फायर के लिए रहता है, कोड ऑरेंज जो रहता है वो हैजार्डस मटेरियल, हैजार्डस मटेरियल मीन्स जैसे ब्लड स्पिल्स, ब्लड स्पिल्स के लिए रहता है, कोड पिंक जो होता है वो इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शंस, अगर बच्चा वगैरह गुम हो जाए तो, कोड वाइट रहता है वो हेमरेजिक कंडीशन के लिए रहता है, कोड ग्रीन जो रहता है वो वायलेंस बिहेवियर के लिए रहता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट जैसे किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में अगर कोई मिसबिहेवियर करता है तो उसके लिए कोड ग्रीन रहता है, और कोड सिल्वर रहता है कंट्रोल्स एक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये सारे कोड एग्जाम में पूछ सकते हैं एम्स दिल्ली। फाइंड आउट द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू बी कलर्स। अब इस कंडीशन के अंदर आपको बी के अंदर जैसे कौन सा कलर इंडिकेट करेगा बी को, तो आपको बताना है हेड एंड चेस्ट के लिए कौन सा कलर रेस्पॉन्सिबल रहता है, एब्डोमन इंजरी के लिए कौन सा रहता है, एक्सट्रीमिटीज इंजरी के लिए, और डेड के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर जो रेड की कंडीशन होती है, रेड जो कोड होता है, ये ट्राइज सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा ट्राइज, ट्राइज सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग इंजरी, अलग अलग सिवियरिटी के अकॉर्डिंग कलर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशंस, तो उसके अंदर अपन जैसे इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है, हेड एंड चेस्ट इंजरी, तो इसको रेड इंडिकेट करेगा। और जो येलो, येलो हम क्या करते हैं, डिले, डिले मतलब अर्जेंट, ओनली अर्जेंट यानी एब्डोमन इंजरी। और नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज अगर इंजरी होती है, मतलब एम्पुटेशन हो जाता है हैंड एंड लेग्स का, तो ग्रीन के अंदर रखा गया है नॉन अर्जेंट। एंड जो डेड जो है, डेड बॉडी अगर पेशेंट कॉलेप्स हो जाए या डेड हो जाए, तो ब्लैक, ब्लैक के अंदर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइज पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 13 नंबर, ये क्वेश्चंस एम्स दिल्ली में बैक टू बैक आ रहा है, 3 ईयर से बैक टू बैक एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चंस। ये चेकलिस्ट, अब की बार तो एम्स ने चेकलिस्ट पूरी ऐसे कैसे चेकलिस्ट दी थी, तो ऑल पैरामीटर चेक्स एक्सेप्ट, इसके अंदर ऑल पैरामीटर्स होते हैं एक को छोड़ के, टाइम इन होता है या टाइम आउट, साइन इन या साइन आउट। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, ये ओटी के अंदर मोस्टली ऑफ यूज होती है, ओटी के अंदर जो काम करते हैं उनको मालूम होगा, साइन इन और साइन आउट दोनों होते हैं। एंड टाइम इन जो होता है, टाइम इन होता है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, टाइम इन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते टाइम आउट है, साइन आउट है, और यहाँ पे साइन इन है, तो टाइम, टाइम इन नहीं होगा, टाइम इन इज द एक्सेप्ट दिया गया है। तो एक्सेप्ट का आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इमेज, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज होना, फियर सिचुएशन शो इन इमेज इज नॉन एज, इस इमेज के अंदर आपको कौन सा फोबिया देखने को मिल रहा है, सिटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, गैमोफोबिया, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया जो होता है वो बेसिकली होता है पेन से, फियर फ्रॉम पेन। गैमोफोबिया जो होता है, एग्जाम के अंदर पूछे गए टर्म है ये, एग्जाम में पूछे जाता है, गैमोफोबिया होता है वो मैरिज, अगर मैरिज से फियर होता है तो गैमोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज स्पेस से अगर डर लग रहा है तो क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। और सिटोफोबिया मीन्स
इटिंग स्पियर फ्रॉम इटिंग, मतलब पेशेंट्स को लगता है कि वो फैटी हो रहा है या मोटा हो रहा है तो वो खाने से डरता है। नेक्स्ट 15 नंबर, आइडेंटिफाई रूट ऑफ ड्रग एडिक्शन। इस रूट के अंदर पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये कौन सा रूट होने वाला है? इंट्रावेनस होने वाला है, सबक्यूटेनियस, टॉपिकल या इंटरडर्मल? तो इसका आपने पढ़ा होगा कि IV जो इंजेक्शन होता है वो होता है 45 डिग्री पे लगता है, सॉरी IV जो होता है वो 30 डिग्री पे लगता है, और जो ID होता है वो 15 डिग्री पे लगता है, और सबकुटेनियस होता है वो 45 डिग्री पे लगता है, और टॉपिकल ये सरफेस पे लगाते हैं ऑइंटमेंट वगैरह। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, इसके अंदर क्या करते हैं 15 डिग्री पे, ये आप देख सकते हैं 15 डिग्री पे बन रहा है एंगल, और इसमें क्या होता है मेन एक स्कार फॉर्मेशन बनता है, जैसे BCG का इंजेक्शन्स लगाते हैं तो स्कार फॉर्मेशन कॉज करता है, तो ये एक ब्लिस्टर बनता है ID इंजेक्शन से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एम्बू बैग्स? एम्बू बैग की कैपेसिटी क्या होती है एडल्ट्स के अंदर, बतानी है आपको। इन एडल्ट्स 2000 ml, 500 ml, 250 ml या 1200 ml। तो ये एम्बू बैग है, आर्टिफिशल्स ऑफ मैनुअल ब्रीथिंग इसको बोला जाता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होने वाली है एडल्ट के अंदर? इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है कि एडल्ट के अंदर 1200 ml होती हैं और बच्चों के अंदर 500 ml, पीडियाट्रिक एम्बू बैग। फाइंड आउट द यूजेज ऑफ डिवाइस, इस डिवाइस की यूजेज के बताना है। लेंथ मेजर करने में काम आता है, वेट, हाइट या डेवलपमेंट? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो लेंथ मेजर करने के लिए काम आता है, आपको मालूम होगा इसको इन्फेंटोमीटर बोला जाता है। इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट कितने साल का होता है? 1 ईयर का। तो 1 ईयर के बच्चे की अपन लेंथ ही मेजर करते हैं, नहीं कि हाइट। नेक्स्ट, फाइंड आउट यूजेस डिवाइस, इस डिवाइस के यूजेस बताना है। मेजर्स ऑफ हाइट, लेंथ या IQ या वेट? तो इसको बेसिकली बोला जाता है साल्टर स्केल। ये एम्स दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। साल्टर स्केल किसके लिए काम आता है? तो वेट के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट 19 नंबर, ये भी एम्स दिल्ली में पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ द स्केल, सेडेशन में काम आता हैप्पीनेस, पेन या एंगरनेस? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है पेन, पेन में काम आता है। सेडेशन के लिए मैंने आपको बताया था रम से स्केल काम में रहते हैं, रम से स्केल, और ये पेन के लिए वोंग बेकार स्केल बोला जाता है इसको, वोंग बेकार, बेकार स्केल, वोंग बेकार स्केल्स। इसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसको नंबरिंग दी जाती है। नेक्स्ट लास्ट फाइनल नंबर क्वेश्चन होने वाला है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द डिवाइस, नेम ऑफ द डिवाइस, इसका नाम बताना है। इंच टेप बोला जाता है, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, शाकी टेप या पेन स्केल? पेन स्केल मैंने आपको बता दिया है। इसका जो राइट आंसर है, ये काम में लेते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करने में काम लेते हैं, इसको शाकी टेप बोला जाता है मोस्ट ऑफ। इसका राइट आंसर ये होना है। इसमें आप ग्रेडिंग देख सकते हैं, 3 कलर की होती है, ग्रीन, येलो और रेड, तो इसको साकेट टैप बोला जाता है। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि और भी अच्छी वीडियो आप सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।